जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। 40 दिनों तो उत्ते अंदोलन टप चुके हैं, सरकार नाल 7 बैठक हो चुकी ने, ते एक गैर रस्मी बैठक गृहमंत्री नाल हुई सी, इस दे बावजूद हल नहीं निकलिया। जदों ये अंदोलन पंजाब तो शुरू हुंदा ते हरियाणे में दाखल हुंदा तो नौजवानों की भूमिका जड़ी उस दे बारे बहुत सारे चर्चावां छिड़ जांदियां। इस वेले भी सवाल यह है कि किसान अंदोलन में नौजवान की कर रहा, नौजवान की भूमिका की है, की है। एक नौजवान आगू तो समझने की कोशिश करा कि वह नौजवान आगू साडा मौजूद होण के असी को सवाल पूछा कि किसान अंदोलन च कित्थे खड़ा नौजवान। चाली जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे तहत जो बैठक कर जांदियां उहदे विच एक नौजवान चेहरा दिखता जिन्हों असी लगातार कवर भी कर रहे हैं। उस नौजवान का नाम है अभिमन्यू कहाट, जिहड़ा कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के नैशनल कोआर्डीनेटर ने। वो इस वक्त सीधा साडे मौजूद होण के उस अंदोलन तो। अभिमन्यू कहाट, तुहाडा बहुत स्वागत है जी। जी शुक्रिया। अभिमन्यू कहाट, नौजवानों की भूमिका सब तो महत्वपूर्ण मनी जा रही है इस अंदोलन में। जिहड़ी धरती तो तुसी आउंदे हो हरियाणे की सोनीपत तो, अभिमन्यू हुण तिकर जिन्ने असी 40 जथेबंदियां जदों अंदर जांदियां ते सब तो नौजवान चेहरा असी तुहाडा देखदे आं, अंदर प्रैशर हुंदा जदों तुहाडे सीनियर उत्थे गलबात कर रहे हुंदे आ? अभिमन्यू कहार, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है इस पूरे आंदोलन में, और इसके अलावा नौजवानों का जोश है इस आंदोलन में और हमारे बुजुर्गों का होश है। तो ये जो जोश और होश का जो सही मिश्रण हुआ है, सही मिक्सचर हुआ है, ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसमें बुजुर्गों का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है जितना नौजवानों का है, और जितना नौजवानों का इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही हमारी माताओं बहनों का है, मातृशक्ति का है, नारी शक्ति का है। तो सबने अपनी अपनी भूमिका बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई है। मीडिया के बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और जहां तक आपने सवाल पूछा कि मीटिंग के अंदर की, तो हमारा पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें जो भी फैसला होता है वो सर्व सहमति से होता है, सबकी बात सुनी जाती है। तो इसी तरीके से जब 40 जथेबंदी अंदर बैठती है तो वहां पे पहले जो हमारे अपॉइंटेड, जो हम अपनी तरफ से जो हमारे जिनको अपॉइंट किया जाता है कि भाई ये लोग बात रखेंगे, तो वो लोग बात रखते हैं। और जब कोई ऐसी बात आती है कि भाई जिसमें दूसरे साथी को भी इंटरवीन करना चाहिए, तो उस समय हमारे सीनियर लोग खुद ये कहते हैं कि भाई आप लोग अपनी बात रखिए। तो उसमें फिर हम पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं वहां पे। और अब तक की बैठकों का निचोड़ ये रहा है कि किसान नेताओं ने इतना बेहतरीन तरीके से देश के करोड़ों किसानों की बातों को रखा है कि ना तो सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब होता है उन बातों का, और ना ही सरकार के आईएएस अधिकारियों के पास। अभिमन्यू, तुहाडी गलबात सुनी जाती है जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होंदी है, मैं तो सवाल ये लेना चाहुंदा, तुसी किहड़े किहड़े पॉइंट उत्थे सांझे करदे हो? देखिए हमने जैसे अगर हम कल की बैठक की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि भाई इन कानूनों के पीछे उनकी 20 साल की तपस्या है, ये उन्होंने पंक्ति बोली। तो हमने कहा जी आपने 20 साल में तो किसी किसान संगठन से बात की ही नहीं है, आपने तो जो कंपनियों के जो एजेंट होते हैं, जो पेस्टिसाइड और सीड्स कंपनी होती है उनके बिचौलियों से, उनके एजेंट से बात करके आप कहते हैं कि भाई आपने किसानों से बात कर ली। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले एक जुमला फेंका था कि कानून बनाने से पहले उन्होंने 93 लाख किसानों से बात की। हमने कल की बैठक में कहा कि जब एक आरटीआई में जवाब मांगा गया कि भाई वो कौन है 93 लाख किसान जिनसे सरकार ने चर्चा की है, जरा हमें भी तो बताया जाए वो कौन से किसान है, तो उसके आरटीआई के जवाब में सरकार कहती है कि हमारे पास तो ऐसा कोई डाटा ही नहीं है किसी किसान संगठन से बात करने का। तो हमने ये बात उठाई। हमने इसके अलावा हमारे सभी लीडर्स ने ये भी बात रखी कि भाई जो आपका ये कृषि कानून है ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि खेती बाड़ी स्टेट सब्जेक्ट है और हमारे संविधान में भी ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार फूड स्टफ्स की ट्रेडिंग पे तो कानून बना सकती है लेकिन फूड ग्रेन्स पे नहीं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं, जो किसान पैदा करता है वो फूड ग्रेन होता है, फूड स्टफ नहीं। जैसे किसान पैदा करता है गेहूं, फूड स्टफ होता है आटा, किसान पैदा करता है धान पैडी, फूड स्टफ होता है चावल। तो हमने मीटिंग में ये बात कही कि भाई केंद्र सरकार के पास तो अधिकार ही नहीं है फूड ग्रेन पे कानून बनाने का। उसके अलावा हमने कल एक विषय ये भी उठाया कि जब सरकार से हमारी वार्तालाप हो रही थी तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार ये बोला कि आज के दिन
सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मानसिक तौर पे तैयार नहीं है। सरकार अन्य राज्यों के किसानों से चर्चा करेगी और फिर सरकार अपना फैसला देगी। तो हमने उसमें कहा कि भाई देश का किसान तो यहां बैठा है, आप किससे चर्चा करना चाहते हैं? आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से, बीज बनाने वाली कंपनियों के दलालों से आप बात करते हैं और कहते हैं आप किसानों से बात कर रहे हैं, तो ये तो बात नहीं चलेगी। हमने ये भी सवाल उठाया कि हमारे अब तक 70 किसान, 70 अन्नदाता शहीद हो चुके हैं, तो सरकार हमारे सब्र का कितना इम्तिहान और लेगी? क्या सरकार ये चाहती है कि और भी अन्नदाता शहीद हो? तो इन चीजों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार बार बार बातों को घुमाने का प्रयास करती है, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से हमारे किसान नेता बात रखते हैं उनका जवाब नहीं है सरकार के पास। अभिमन्यु, ये तो सानू जानकारी हैगी है कि तुहाडे वल्लों जिहड़े सारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होंदी है उनके बुलारे तय किए जाते हैं, अंदर बैठक के कौन बोलणगे? कदे तुहानू मौका मिले इन्हां बैठकों के खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल गलबात करन दा, जां रेलवे मंत्री नाल गलबात करन दा, जां केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश राणा नाल गलबात करन दा? कदे मौका मिलिया, वन टू वन होया कदे कि नहीं इन्हां बैठकों दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सीनियर लीडर सबको मौका देते हैं बात रखने का। देखिए, जो आपने ये बताया कि कुछ लोग अपॉइंट होते हैं सीनियर लीडर्स, वो बातचीत की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जब जैसे जैसे मीटिंग में डायलॉग आगे बढ़ता है तो सबको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी को मौका नहीं मिलता हो, सब अपनी बात रखते हैं। हमने जब 3 दिसंबर की बैठक थी उसमें कृषि कानूनों पर जब चर्चा हो रही थी तो हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा कि भाई हमारी तरफ से ये साथी बात रखेंगे, तो उसमें हमने सेक्शन वाइज सरकार को कमियां गिनवाई। मैं आपको 2-3 वो बता देता हूं। नहीं, ए तुसी उस दिन दी बैठक दी गल करे जो प्रेजेंटेशन दित्ती गई सीगी, जदों राजेवाल साहब हरीप ते प्रेम सिंह भंगू ते कविता मैडम बोल रहे सीगे, उस दिन दी गल कर रहे हो तुसी? हां, 3 दिसंबर की जो बैठक थी, मैं 3 दिसंबर की बैठक की बात कर रहा हूं, जिसमें सेक्शन वाइज जिस पे चर्चा हुई थी, जो बैठक में तीनों कानूनों के सेक्शन वाइज क्लॉज वाइज चर्चा हुई थी, मैं उसी 3 दिसंबर की बैठक के बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पे जब वो उस पे बातचीत चल रही थी, पहले सरकार के अधिकारियों ने बात रखी, तो उसके बाद हमने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी कि भाई जो पहला कानून है, जो ट्रेड का कानून है, उसमें ट्रेड में ये एक महत्वपूर्ण बात नोट करने की होती है कि जब जब प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में, फसलों की प्रोक्यूरमेंट में जब जब सरकार का रोल कम होगा और कॉरपोरेट या कंपनियों का रोल बढ़ेगा तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होता है। ये हमें ऑल ओवर वर्ल्ड का भी हमारे पास ये अनुभव है और हमारे देश में तो हम देख ही देख रहे हैं। वहां पे हमने बताया कि भाई 2006 में आपने ये कानून बिहार में लागू किया था, तो आज बिहार का हाल क्या है? 2-3 चीजें नोट करने की यहाँ पे बिहार के विषय में। पहली बात तो ये, मक्का सरकारी रेट 1850 रुपया क्विंटल, लेकिन बिहार में मक्का बिका 500 से 600 रुपया क्विंटल। बिहार के कई जिलों को मक्का बेल्ट बोला जाता है। बिहार दे विच असीं चोणां जित्ते हैं ते सानूं किसानां ने वोटां पाईआं, सर इसका की जवाब दोगे अभिमन्यू जी तुसीं? देखिए, ये तो बात जग जाहिर है कि चुनाव हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं। हमारा लोकतंत्र अभी मैच्योर नहीं है। यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, 2000 के नोट पे, शराब की बोतल पे चुनाव लड़े जाते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसकी बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसमें असली मुद्दों को कैसे गायब किया था वो पूरा देश जानता है, उसके बारे में ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहना चुनाव कोई आधार नहीं है कि भाई सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है। ब्राइब दे के लोगों को वोटा ले रही, सारे एक रस्से तो नहीं बन सकते अभिमन्यू? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा उसमें कई विषय आते हैं, धर्म का आता है, हिंदू मुसलमान का विषय भाजपा के टॉप एजेंडे में रहता है। आप हरियाणा में आ जाइए तो जाट नॉन जाट का विषय इनके टॉप एजेंडे में रहता है। आप आगे चले जाइए तो अब की बार बड़ौदा में उपचुनाव हुआ, जहां पे एक तरीके से किसानों ने, जब हमने बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा में महापंचायत भी हुई और बीजेपी का बहिष्कार हुआ, तो वहां पे भाजपा ने 100 करोड़ रुपया एक बाई इलेक्शन में खर्च कर दिया। वहां पे 5000 से ज्यादा सिलेंडर फ्री में बांटे गए, वहां पे कई हजार पीपे घी बांटा गया। तो ये तो आज के दिन जो व्यवस्था है, आप भी उस चीज को समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज किस तरीके से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। न्यायपालिका का क्या सिस्टम है, अधिकतर मीडिया किस तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, तो पूरा देश इन चीजों को समझ रहा है। तो ये कहना भाजपा द्वारा कि भाई वो चुनाव जीत गए तो इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद, तो ये तो ठीक नहीं है। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लेना मनु, वापस आ रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है मनु, तो ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल साडा मूल यही है, नौजवानों की भूमिका की हैगी है, क्योंकि यूथ साडे देश का भविख है, तो यूथ तो समझने की असं कोशिश कर रहे हैं। किसान अंदोलन कितने खड़ा नौजवान, वापस आ रहे हैं।
अवेनो कहाड जो लोकपाल अंदोलन होया उस भी इन्होंने आपकी भूमिका निभाई है। मंदसौर जोड़े किसान तशद्द होया उन भी यह गए ईरान तक जोड़ी होर जिथे किसान की गल पहुँचानी सी जिथे सभ्याचार की गल होनी सी उत्थे भी जाके अवेनो कहार तुसी राजनीति से बहुत वड्डा सवाल खड़ा किया नाल तुसी एक मीडिया से सवाल खड़ा किया अवेनो कहार राजनीति वाला सवाल है तुसी उनका जवाब दे दिता तो मीडिया के सवालों का जवाब है जो तुसी लगातार सोशल मीडिया से देंदे पे हो मैं तुहानू सुनदा पे अवेनो कहार सवाल यह है कि किहड़ा मीडिया तुहाडी गल नहीं पहुँचा पा रहा। मेरा सवाल तो उस मीडिया से अवेनो कहार जिंदे बारे तुसी वार वार कहने हो कि साडा एजेंडा जिहड़ा होर तरीके नाल पेश किया जाता कदे सब नक्सली कहा जाता कदे खालिस्तानी कहा जाता कदे अतवादी कहा जाता कदे पाकिस्तान चाइना स्पॉन्सर्ड कहा जाता उस मीडिया बारे की कहना चाहते हो मनु कहाड़? देखिए बड़े दुख की बात है कि आज के दिन मीडिया अधिकतर मीडिया मैं सभी मीडिया चैनल के बारे में तो नहीं कहूंगा अधिकतर मीडिया आज के दिन सरकार की गोदी में जाके बैठा हुआ है पिछले 6 सालों से। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ होता है इंपॉर्टेंट पिलर होता है लोकतंत्र का और मीडिया का काम होता है हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाना। लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ पे क्या है कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती है मीडिया लेकिन जो सरकार का विरोध करते हैं चाहे उसमें विपक्षी पार्टियां हो चाहे सामाजिक आंदोलन हो चाहे किसान संगठन हो उल्टा उन्हीं से सवाल किया जाएगा। कभी उनको कहा जाता है जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो हमें कहा गया कि ये आतंकवादी है फिर आरोप लगाया गया कि इनके पास तो फॉरेन फंडिंग आती है फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ सरकारी और दरबारी लोग सरकार के पास जाके पहुंच गए किसान संगठन बना के उनको मीडिया ने बहुत प्रोजेक्ट किया कि जी इनको तो कई लाख किसानों ने समर्थन दे दिया है सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने दिखाया कि हरियाणा के 1 लाख किसानों ने सरकार को समर्थन दिया जब हमने उनकी कॉपी चेक की उनकी कि कौन है भाई वो 1 लाख किसान जरा हम भी तो जान ले हम भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं तो पता चला कि 116 फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख के दे दिए गए। जब उन एफपीओज का हमने ग्राउंड पे चेक किया तो ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर कहा गया कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने सरकार को समर्थन दे दिया ये मीडिया ने ही प्रचलित किया इस चीज को। जब हमने उनका पता किया तो जो आदमी 3 लाख लोगों का समर्थन देने का दावा कर रहा था वो तो एक पेस्टिसाइड कंपनी के लिए दलाली का करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो मीडिया जिसको एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए जिस मीडिया को देश की आवाज बनना चाहिए जिस मीडिया को समाज और किसान के हक और अधिकारों की बात करना चाहिए आज के दिन वो मीडिया अधिकतर घुमा फिरा के सिर्फ सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और यदि मीडिया ये इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो देगा जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई है उसको भी ये खो देगा और जनता इसका भी बायकॉट करेगी जिस तरीके से जनता ने जियो का बायकॉट किया है। अवेनो अन्ना हजारे अंदोलन बारे भी तुसी चंगी तरह जानते हो उसनू मीडिया ने ही बनाया सी उस अंदोलन नू ते अज मीडिया नू भजा के तुसी लगदा कि जंग जित लोगे उन्हां नू काउंटर करो उन्हां दे सवालां दे जवाब दो तुसी जे तुहानू लगदा कि तुसी उन्हां नू काउंटर कर सकदे हो उत्थे उन्हां दा विरोध जां उन्हां नू भजाउणा इह कोई चंगी गल तां नहीं हैगी अवेनो? देखिए ये मैं इसमें बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं पहले दिन से हमारे सभी सीनियर लीडर्स ने मंच से ये बोला है कि भाई मीडिया चाहे वो कैसे भी हो चाहे हमारे विरोध में वो बोलते हो या हमारे पक्ष में बोलते हो हम सबके सवालों का जवाब देंगे हम किसी को भगाएंगे नहीं उसमें। तो कोई एक आदि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसको लेके हमें अफसोस है क्योंकि आपको एक दूसरा पक्ष ये भी समझना चाहिए कि जब जो किसान 41 दिन से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और एक मीडिया उनको आतंकवादी बताती है तो जो नौजवानों का खून तो खोलेगा लेकिन उसके बावजूद हमने सभी नौजवानों को कंट्रोल करके रखा हुआ है सभी को शांत तरीके से रखा हुआ है सभी पूरे तरीके से अनुशासन में रखा हुआ है। तो मीडिया को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए और हम अपने युवाओं से भी ये बार बार अपील करते हैं इसीलिए हमारे अधिकतर भाषणों में हम ये बात रखते हैं कि भाई कानूनों का क्लॉज वाइज जानकारी हमारे एक एक किसान को है और जिनको नहीं है वो भी अच्छे तरीके से कर ले क्योंकि जब क्लॉज वाइज हम उस मीडिया को जवाब देते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हम अपनी जितने भी डिबेट होते हैं हमारे अधिकतर यूथ लीडर्स हैं वो भी पॉइंट कोट करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस पॉइंट में ये दिक्कत है आपने ट्रेड वाले कानून में ये दिक्कत है इस पॉइंट में तो हम वो सारे कोट करके बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो ब्रेक से पहले हो रही थी बिहार के किसानों पे देखिए इसमें दो बातें नोट करने की है प्रधानमंत्री जी ने जब ये संसद में पास हो रहा था तानाशाही तरीके से राज्यसभा में पास हुए तीनों कृषि कानून तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई बिहार में ये कानून 14 साल पहले बने थे और बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। बिहार क्या तरक्की कर रहा है अभी तक वहां पे धान की खरीद शुरू नहीं हुई है हरियाणा के किसानों की एक किसान परिवार की एवरेज इनकम 1,90,000 रुपए सालाना पंजाब के एक किसान की सालाना एवरेज इनकम 2,19,000 रुपया और बिहार के किसानों की एवरेज इनकम कितनी है मात्र 42,000 रुपया क्योंकि वहां पे कोई मंडी सिस्टम नहीं है वहां पे कोई सरकारी खरीदी सिस्टम नहीं है। और अब आप हमारी दूसरी मांग पे आ जाइए हमारी ये हमने मीटिंग के अंदर ही सारी बातें बोलते हैं तो यही बातें आपको बता रहा हूं जो मीटिंग के अंदर हमने बोली है। हमने बात की एमएसपी गारंटी बनाने की तो उसमें सरकार ने कहा
कि जी हमें बहुत वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा, तो हमने कृषि मंत्री से सीधा सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे गुजरात के और ये कंज्यूमर्स अफेयर कमेटी के हेड थे, तो इन्होंने एक रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी जिसमें खुद इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में, मैं पॉइंट कोट कर रहा हूं, आपके लाखों दर्शक बेशक वो रिपोर्ट जाके देख भी सकते हैं, तो उसके पॉइंट नंबर B3 में मुख्यमंत्री होते हुए मोदी जी ने कहा था कि किसानों के लिए MSP गारंटी होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अन्य बातों की तरह मुकर गए। और MSP गारंटी होना आदरणीय इसलिए भी जरूरी है, पिछले 17 सालों में जो पूरे देश के अन्नदाता किसानों को उचित MSP नहीं मिला है उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और यदि देश के सभी किसानों पर संपूर्ण कर्जे की बात करें तो वो मात्र 8 लाख करोड़ रुपया है। तो यानी हमें उचित MSP मिला होता तो आज के दिन पूरे देश के किसानों पर कोई भी कर्ज नहीं होता और उल्टा 37 लाख करोड़ रुपया हमें मिलना चाहिए था जो सरकारों ने नहीं दिया। तो जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं और हम निवेदन करते हैं सरकार से कि सरकार और किसानों की शहादत ना ले, ये किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे तो हम आंदोलन जीत के जाएंगे या अपनी कुर्बानी देकर अपने गांव में जाएंगे, उससे पहले हम वापस नहीं हटेंगे। यदि सरकार इस बहम में है कि भाई किसान थक जाएगा तो किसान ना तो थकेगा, ना पीछे हटेगा, ना डरेगा, ना दबेगा, गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद करता रहेगा और आंदोलन हम जीत के जाएंगे। अमन्यू जी गल तुम कह रहे हो अंदोलन अं जित के जावे, पर सरकार जी तर्क दे रही है सूँ वो भी सवाल लेने पैने। अमन्यू सरकार ये तर्क दिंदी है कि इस अंदोलन के पिछे कोई सियासी ताकत काम करती पी है, इसका जवाब तुम उत्ते लगातार अंदर भी दिता, मैं उस बारे भी जानकारी हैगी है। अमन्यू सवाल है जो सरकार ये कहती है कि तुम केला का जिक्र क्यों नहीं कर देगे, उदो तुम की जवाब दोगे? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, केरला की जहां तक बात करते हैं प्रधान, या तो प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जी के जो अधिकारी है वो उनको गलत सूचना देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं किसान भ्रमित है, लेकिन हमें लगता है प्रधानमंत्री भ्रमित है। मैं लगता मैंने तो सा कनैक्शन स्थापित नहीं हो रहा, अभी एक छोटा ब्रेक ले लिया, ब्रेक तो बाद वापस आने हैं। असी गल केरला की थी, केरला का सवाल किया, उस सवाल से वापस आ रहे हैं। सवाल यही है किसान अंदोलन में कितने खड़ा नौजवान मनु, केरला का जिक्र कर रहे थे, अपना कनैक्शन स्थापित नहीं हो पा रहा जी। देखिए मैं ये कह रहा था या तो प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है या फिर उनके अधिकारियों ने उन्हें गलत जानकारी दे दी है। केरला में अधिकतर जो खेती होती है वो मिर्च मसालों की खेती होती है, तो वहां पे हर मसाले का अलग से बोर्ड बना हुआ है और वहां पे सरकारी खरीदी होती है फसलों की। जो धान है उसका 2700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार प्रोक्यूरमेंट करती है वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रोक्यूरमेंट सिस्टम नहीं है। उस प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं, लेकिन ये कह देना कि वहां पे सरकारी प्रोक्यूरमेंट नहीं होती ये बात उचित नहीं है। मैं आपको तमिलनाडु का एग्जाम्पल दूंगा। तमिलनाडु में एक स्कीम है उझावर संथई मार्केट स्कीम, इस स्कीम के तहत स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड ने अपना मंडी बनाई हुई है और उन मंडी में सिर्फ किसान जाके अपना सामान बेच सकता है, कोई व्यापारी नहीं बेच सकता है। साल में 2 बार किसानों की फसलों की जांच होती है कि भाई ये बेचने जो आ रहा है ये किसान है ही या नहीं है। वहां पे सरकार उनको फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी देती है, फ्री में उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देती है, फ्री में उनको दुकान देती है, फ्री में उनको मेजरिंग के इक्विपमेंट देती है, और उसका नतीजा ये रहा पिछले 20 सालों से ये चल रही है ये स्कीम, उसका नतीजा वहां पे ये है कि दूसरी मार्केट के मुकाबले किसानों को अपने उत्पाद का 25% ज्यादा मिलता है और कंज्यूमर को दूसरे मार्केट के मुकाबले 20% कम रेट पे कृषि उत्पाद मिलते हैं। मैंने अच्छा लग्या मन्ने तुसी कंज्यूमर का सवाल लेके आए हो, ये पूरा मामला सिर्फ प्रोड्यूसर तक सीमित रखा जा रहा है, कंज्यूमर वाला सवाल आ जिहड़ा वो ना उस तरीके एस्टैबलिश किया जा रहा है ना उस तरीके तुहाडे वल्लों भी प्रचारा जा रहा है। मन्नो तुहाडियां किसान जथेबंदियां ते भी मैं सवाल खड़ा कर रहा है, कंज्यूमर तक तुहाडी अप्रोच नहीं हो पा रही, ये सिर्फ किसान खेत मजदूर का जिक्र हो रहा है, कंज्यूमर वाला सवाल क्यों मिस है? मैंने कहा देखिए हम तो ये पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक नुकसान इन कानूनों से कंज्यूमर को होने वाला है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया गया है उसके पॉइंट नंबर 2B में सरकार ने क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2B में सरकार ने लिखा है कि यदि बागवानी वाले कृषि उत्पादों का रेट 100% बढ़ गया पिछले 12 महीने के मुकाबले और यदि अनाज का रेट 50% बढ़ गया तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, वो कंपनियों पे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे नहीं लगेगी। तो आप एक बात समझने की है, उसको सरल भाषा में समझे कि पानी जो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में है, जो बिल्कुल एबंडेंस में है,
उसको ये कंपनियां 20 रुपए लीटर में बेचती है, जो सरकार के साथ अंदर बैठक होती है उसमें जिस बोतल में हमें पानी देते हैं सरकार के लोग वो 100 रुपया की बोतल होती है और एक गिलास पानी नहीं होता। जब ये अनाज इन कंपनियों के कब्जे में चला जाएगा तो ये तो इसको कई कई हजार रुपए क्विंटल, कई कई हजार रुपए केजी के हिसाब में बेचेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या तो इससे कंज्यूमर को होने वाली है। इससे कालाबाजारी और जमाखोरी करने की आजादी मिल जाएगी अंबानी और अडानी जैसे लोगों को, तो इसीलिए कंज्यूमर्स को तो सतर्क होना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा रोल कंज्यूमर्स को जागरूक करने में मीडिया का है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे शहरी भाइयों से, कुछ हमारे शहरी दोस्त कहते हैं कि जी उनके पास तो जमीन नहीं है। मेरे भाइयों, मान लिया आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन कम से कम जमीर तो आपके पास होगा ही। ये आंदोलन आपके लिए भी है, ये सभी लोगों का आंदोलन है। जो रोटी आप शाम को खाते हैं अपनी प्लेट में, वो गूगल या फेसबुक से डाउनलोड नहीं करते, वो आप व्हाट्सएप से डाउनलोड नहीं करते, वो किसान के खेत से ही आपके पास आती है। और यदि उसकी कालाबाजारी और जमाखोरी बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरू कर दी तो देश का जो देश के आम नागरिक है, आम भारतीय है, वो भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए मेरे सभी से विनती हाथ जोड़ के कि सभी इसमें सहयोग करें इस आंदोलन में। अमनु जी, गल तुसी कह रहे हो कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि अवेयरनैस किवें फैलानी हैगी है। मेरा सवाल अमनु फिर उत्थे खड़ा है, किसान जथेबंदियां इस मामले में हजे तिकर उस पद्धर तक प्रचार नहीं कर सकियां कि कंज्यूमर का मामला हैगा? नहीं, देखिए हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास जो रिसोर्सिस है वो एक सीमित मात्रा में है। जो सरकार के पास दुष्प्रचार करने के लिए जो रिसोर्स है वो उनके पास बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कृषि मंत्री ने अभी चिट्ठी लिखी थी कुछ दिन पहले 8 पेजों की, जिसमें हमारे ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए गए थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अखबारों के माध्यम से घर घर जाके वो चिट्ठी पहुंचाई और हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। अब हमारे पास तो, हम तो एक साधारण किसान है ना, हम तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके मूवमेंट चला रहे हैं, लोगों का आर्थिक सहयोग जो मिल रहा है उससे मूवमेंट चला रहे हैं, तो हमारे पास संसाधन सीमित है। तो इसीलिए सरकार का दुष्प्रचार ज्यादा है, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। हमने अपना किसान एकता मोर्चा के नाम से हमने अपना अलग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया, हमने ट्रॉली टाइम्स के नाम से अखबार निकाला और आप जैसे जो मीडिया के बंधु हैं उनके माध्यम से अपनी आवाज हम पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। अमन्यो, जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो कि तुसी आपदे वल्लों कोशिशां करदे पे हो, अमन्यो सवाल यह हैगा, जदों केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री जदों तुसी बैठक में शामिल सी 7वीं बैठक में, उस तो बाद बाहर आके कहिंदे आ कि ताड़ी 2 हत्थां नाल वज्जदी है, तो वो तुहाड़े वल्लों ताड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तुसी कितनी कु ताड़ी मारना चाहुंदे हो? क्योंकि वो तो कहिंदे ताड़ी इत्थे मार दो कि असीं अमेंडमेंट लई तैयार हैं। अमन्यो देखिए, ताली बजाना, हम यहाँ ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं। आज के दिन देश का किसान संकट में है, देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठा है और 70 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। तो ये ताली और थाली बजानी होती तो हम अपने घर पे बजा लेते। हम यहाँ अपनी मांगे पूरी कराने के लिए आए हैं और हमारे पास कोई, कई पत्रकार पूछते हैं कि जी बीच का रास्ता निकाल लीजिए, हमारे पास कोई बीच का रास्ता नहीं है। हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हमारी 100% मांगे मानी जाए, और उसका एक कारण भी है। मैंने आपको बताया कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यदि ये रिपील नहीं हुए तो सेंटर को एक रास्ता मिल जाएगा स्टेट सब्जेक्ट में इंटरफेयर करने का। हमने 7वीं मीटिंग में भी कहा था, भाई सरकार चाहे तो ये बता दे कि जो हमने, जिन लोगों ने हमारा, जिन महानुभावों ने हमारा संविधान बनाया, या तो वो गलत थे या फिर सरकार संविधान। मनु इन्हें सवाल है, जो तुम कहने हो ना स्टेट सब्जेक्ट है खेतीबाड़ी, जो तुम ये गल कहने हो कि फेडरल स्ट्रक्चर से हमला है खेती कानून, उदों सरकार ये कहती है कि इन्हां पिछे कोई पोलिटिकल फोर्स काम करती पी है, ये किसानों की मांग नहीं हैगी, उदों सर की जवाब दोगे मनु? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार गलत दुष्प्रचार कर रही है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जियो और बीएसएनएल का एग्जाम्पल देखिए। जब जियो आई थी तो ये कह रहे थे बीएसएनएल भी चलती रहेगी, लेकिन जियो बीएसएनएल को पूरे तरीके से खा गई और आज के दिन जियो का एक छतर राज हो गया और वो अपने रेट लगातार बढ़ाती जा रही है। तो ठीक इसी तरीके से जब प्राइवेट मंडी आ जाएगी, मान लीजिए अभी सरकार, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सरकार हमें प्रस्ताव दे रही है कि ऐसा संशोधन कर लेते हैं कि भाई प्राइवेट मंडियों में भी और एग्जिस्टिंग सरकारी मंडियों से बाहर भी उतना ही टैक्स रहेगा जितना सरकारी मंडियों में है। 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कल को कैबिनेट की फिर से बैठक होगी और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में वो इंटरेस्ट रेट, वो जो टैक्स है वो फिर कम कर दिया जाएगा, जिस तरीके से जीएसटी में बार बार टैक्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो जब कानूनों की नींव ही गलत है, नींव ही उनकी खराब है, तो उसके ऊपर जो आप बिल्डिंग खड़ा करने का प्रयास करेंगे वो बिल्डिंग भी गलत होगी। अब देखिए, आप उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं,
ये कानून है क्या, इनको अगर एक लाइन दो लाइन में समझे, ये कानून है, ये कानून बात करते हैं फ्री मार्केट की, फ्री ट्रेड की। अरे भाई अमेरिका में भी तो फ्री मार्केट की पॉलिसी 20 साल पहले लागू हुई थी, यूरोप में भी हुई थी, चाइना में भी हुई थी, ओईसीडी कंट्रीज में भी हुई थी। वहां का क्या नतीजा है, अमेरिका में 2018 में $867 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी का बिल पास किया है। $1 बिलियन में होते हैं 7,500 करोड़ रुपया, तो 867 बिलियन में कितने लाख करोड़ होंगे हमें शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाइना ने अपने किसानों को $212 बिलियन की सब्सिडी दी, यूरोप ने $100 बिलियन की सब्सिडी दी, ओईसीडी ने $240 बिलियन की सब्सिडी दी। यदि फ्री मार्केट पॉलिसी आदरणीय इतनी अच्छी होती तो ये देश इतने इतने लाखों करोड़ों की सब्सिडी अपने किसानों को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फ्री मार्केट पॉलिसी किसानों को खत्म कर देती है। फ्री मार्केट पॉलिसी सिर्फ कॉरपोरेट और कंपनियों के लिए काम करती है। आज के दिन पिछले चंद सालों में अमेरिका में 93% डेयरी, जो छोटी डेयरी थी, वो बंद हो चुकी है अमेरिका में। तो ये हमारे यहाँ पे सरकार एक बात को समझे, हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी है वो जीवन यापन का तरीका है। अमेरिका में और विदेशों में खेती एक बिजनेस है। हमारे यहाँ की लैंड पॉपुलेशन रेशियो है वो अमेरिका और अन्य देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, तो सरकार को ये चीज समझनी चाहिए। चलो मैं एक होर छोटा ब्रेक लूंगा मैन्यू, वापस आवेंगे आखिरी हिस्से में तुहाडे नाल गलबात करांगे। मैन्यू जिहड़ियां एग्जाम्पल्स दे रहे हैं विदेशी धरतियां दे उत्ते जो कुछ होया, तो वार वार किसान जथेबंदी अंदर भी यह गल कहिंदी है कि जिहड़ा पछमी देशों का मॉडल हैगा तुसीं साडे ते लागू करना चाहुंदे हो, जिहड़ा मॉडल उत्थे फेल हो गया, उस मॉडल दे तहत जिहड़ियां WTO दी पॉलिसीज है, कारपोरेट घराने का प्रैशर है, वह साढ़े तुम पाना चाहते हो, तो यह कह रहे खेती सैक्टर है जिहड़ा वह साडा जीवन जाच का साधन है। तो जो ये सवाल खड़ा किया जाए तो उदों केंद्र सरकार आ जिहड़ी वो ये जवाब दिंदी है कि इन्ना कुछ किसान जथेबंदियों को कुछ नहीं पता, उसी का जवाब असं लै रहे मनु तो वापस आ रहे मनु कहाट। सवाल यह भी हैगा कि जिहड़ियां तुहाडियां किसान जथेबंदियां उन्हां विच जिहड़े आगू तुसीं सारे जुटे हुए हो, एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि यह सिर्फ लीडर है ना, इन्हां कोल जमीन है ना, इन्हां नूं खेती का पता है। मनु तुहानूं एक निजी सवाल मैं कर रहा है, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਨਿਓ? ਜੀ ਇਹ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਮ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸਮੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਹਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰਕੌਦਾ ਹੈ, ਛਿਨੌਲੀ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, यानी 25 बीघे हमारी जमीन है। और 2010-11 में जब अन्ना और बाबा रामदेव का मूवमेंट हुआ था, उस समय जब हमने अपने कॉलेज जीवन की शुरुआत की थी, तो 2010-11 में हमने उस आंदोलन में हम कूदे थे और उस समय तय किया था कि अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए लगाएंगे। 2011 से 2015 तक मैंने ग्रेजुएशन की, बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सोनीपत, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 2015 में एक USMNC में मिले मुझे जॉब का ऑफर मिला, लेकिन हमने वो ऑफर ठुकरा दिया और हमने ये तय किया कि भाई जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी के लिए हम काम करेंगे। क्योंकि मैं अपने आसपास एक चीज देखता था आदरणीय, कि जो हमारी आज की जनरेशन है वो अधिकारों की तो बात करती है लेकिन वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती है। लेकिन इसीलिए हमने तय किया कि हम जिम्मेदारी निभाएंगे देश को बदलने की, समाज को बदलने की। और जो ये आंदोलन है, आपका सबसे पहला सवाल था नौजवानों का रोल। देखिए, जो एक चिंता मुझे हमेशा लगती थी कि जो हमारी उम्र के जो नौजवान है वो थोड़ा मौज मस्ती में लगे रहते थे, इस चीज को लेकर चिंता होती थी कि भाई ये जो सीनियर लोग हैं 5-7 साल बाद ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इस आंदोलन ने एक युवाओं की एक नई टीम तैयार कर दी है जो समाज को एक नया रास्ता दिखाएगी, जो समाज को एक नई रोशनी देगी। तो वो हमारी चिंता भी खत्म हो गई है और कम से कम हमारे वाली पीढ़ी तो जब तक इसका आखिरी सांस जब तक ये लेगी तब तक ये समाज के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, ये देश के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और ईमानदारी से सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करती रहेगी। तो नौजवान एक बड़ी भूमिका में आया है और आगे आने वाले समय के लिए हमारी एक बहुत अच्छी लीडरशिप भी तैयार हुई है। अमन्यो तुसीं बड़ा विस्तार से जवाब दिता, मैनूं चंगा लग्या। अमन्यो तुसीं अन्ना हजारे दे अंदोलन का जिक्र कर लिया, तुसीं रामदेव वाले 4 जून की रात में जो कुछ उत्थे होया सी तुसीं उहदा जिक्र कर लिया। मैं खुद भी उन्हां अंदोलन का गवाह हैगा अमन्यो, तुहानूं उन्हां अंदोलन तो इस अंदोलन के विचाले फर्क की लगता अमन्यो? देखिए, मुझे 2-3 इसमें बड़े फर्क दिखाई देते हैं। पहला तो ये है कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा है जो आज के दिन हो रहा है उस आंदोलन के मुकाबले में, नंबर एक फर्क ये है। नंबर दो फर्क ये है, उस आंदोलन में मीडिया बहुत ज्यादा प्रो आंदोलन था,
जो होना भी चाहिए मीडिया को, किसी भी आंदोलन के प्रो ही होना चाहिए, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका रुख इस आंदोलन के प्रति वो पॉजिटिव नहीं है जो उसका होना चाहिए। और तीसरा, यदि आप देखें कि जो इस आंदोलन के मुद्दे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वो ज्यादा स्ट्रांग मुद्दे हैं कंपैरेटिवली पहले वाले आंदोलन के, क्योंकि इसमें किसानों के सब मसले जुड़े हुए हैं। हमारे लगभग 3 लाख से अधिक किसान जो सुसाइड कर चुके हैं पिछले 20 से 25 सालों में, उन किसानों की बात है। जो किसान जिसको प्रति एकड़ प्रति फसल आज के दिन MSP ना मिलने के कारण 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है, उस किसान को 2000 का झुंझुना पकड़ा के उसको बहकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो किसान जागरूक है। और इस आंदोलन में एक चीज मैं और भी देखता हूं कि ये जो आंदोलन में जब हमारी जीत होगी तो ये किसान समाज के जन जागरण की शुरुआत होगी, अंत नहीं। क्योंकि अभी हमारी C2+50% की लड़ाई बाकी है, अभी हमारी कर्ज मुक्ति की लड़ाई बाकी है, अभी हमारी फल सब्जी दूध की MSP की लड़ाई बाकी है, अभी 60 वर्ष से ऊपर के किसान को पेंशन देने की लड़ाई बाकी है। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन देश का किसान, ये मैं आपको एक बहुत ग्राउंड की बात बता रहा हूं, आज के दिन देश का किसान मोदी सरकार पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उसके कारण है, अब देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी साहब क्या कहते थे कि भाई पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार MSP दिया जाएगा। लेकिन फरवरी 2015 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सरकार की तरफ से पेश होते हुए हलफनामा दिया कि सरकार C2+50% फार्मूले के अनुसार MSP नहीं दे सकती क्योंकि उसे सरकार को वित्तीय घाटा होगा। और अभी 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री क्या कहते हुए कि उनकी सरकार ने तो C2+50% के फार्मूले के अनुसार MSP दे दिया। तो बड़े दुख की बात है कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी झूठी और इतनी सत्ता से परे बात कहते हैं। बड़े दुख होता है ऐसी बातों पे। इस वजह से आज के दिन सरकार और किसानों के बीच में विश्वास का संकट है और ये सबसे बड़ा संकट है। अमन्यू, अपने को आखिरी 3-4 मिनट है, मैं एक सवाल तुम्हें करना चाहता ही। अमन्यू, तुसी ये अंदोलन दे विच कुदे हो, तुसी क्या भी मैं आपके विद्यार्थी जीवन तो शुरुआत की थी, किन तो सीखते पे सी, किनू देख के तुसी इन्हां संघर्ष दे विच शामिल होना शुरू किया? कक्का जी नू देख के, जोगिंदर यादव हरां नू देख के, जां होर जिहड़े लीडर आ डॉक्टर दर्शनपाल आ, राजेवाल आ, जां अन्ना हजारे आ, जिंदा भी तुसी जिक्र करना चाहो? देखिए, शिव कुमार कक्का जी जिनका बहुत पुराना इतिहास रहा है, लगभग 50 साल हो गए हैं उनको, अपना पूरा जीवन उन्होंने किसान समाज के लिए दे दिया। उसके अलावा आदरणीय जगजीत सिंह दल्लेवाल जी हैं BKU एकता सिद्धूपुर के, उनका भी जो जीवन का जो हमने संघर्ष देखा, जब चाहे बात हो 2018 के अन्ना जी के आंदोलन में, जब उन्होंने, जब किसानों के ऊपर आंदोलन था, जब उन्होंने आमरण अनशन किया था, और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कक्का जी के बारे में, तो जब मंदसौर गोलीकांड हुआ उस समय हमारे 6 किसानों की शहादत हुई, उससे पहले 2012 में बरेली कांड हुआ जिसमें कक्का जी के ऊपर गोली चलाई गई, उससे पहले 2010 में एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, मैं आपको उसको उस तरफ लेके जाना चाहूंगा, भोपाल में 15,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कक्का जी के नेतृत्व में उसका आंदोलन एक किया गया था, पूरे भोपाल को बंद कर दिया गया था। उस आंदोलन का कोड वर्ड था 2012, तो हिंदुस्तान में वो पहला ट्रैक्टर आंदोलन था। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में एक जी भूमिका जी जी बोलो बोलो, मैनू तुहाड़ी आवाज पहुंच रही है। गुरुद्वारों ने ये इस पूरे आंदोलन में गुरुद्वारों की तो गुरुद्वारों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में आएगा, क्योंकि जहां भी हम रुक गए वहीं पे गुरुजी का लंगर पहुंच गया, हमें वो भोजन का सारा सिस्टम हमें दे रहे हैं। तो यदि गुरुद्वारों का वो रोल नहीं होता तो शायद इतना मजबूत आंदोलन हम नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जीत होगी। अमन्यू, एक सवाल कक्का जी ते बार बार उठता है कि वो संघ की जी राष्ट्रवाद वाली नीति है उसको लागू करने में लगे रहते हैं, तुसी कक्का जी इन जो सवाल उठते उनका कोई जवाब देना चाहोगे? देखिए, कुछ लोग जो ये दुष्प्रचार करते हैं कि भाई कक्का जी संघ के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे आप एक बात बताइए
जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जब वो आंदोलन करते थे तो कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह जब सीएम होते थे कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई ये तो भाजपा के आदमी है। जब भाजपा की सरकार आ गई तो उनके ऊपर जब भाजपा की सरकार ने गोली चलवाई, भाई 2012 में जब बरेली गोलीकांड हुआ तो भाजपा ही की तो सरकार थी ना जिसने उनके ऊपर गोली चलवाई। मंदसौर में जब उनको जहर देने की कोशिश की गई तो उस समय किसकी सरकार थी वहां पे? उस समय भाजपा की सरकार थी। मंदसौर में हमारे संगठन के 6 कार्यकर्ताओं की जो शहादत हुई उस समय किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। जब भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई ये कांग्रेस के है। अब जब दोबारा से वहां पे भाजपा की सरकार आ गई है 35-35 करोड़ में उन्होंने विधायक खरीद लिए तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस से मिले हुए है। तो सामाजिक जीवन में हमें एक बात समझनी चाहिए, जब सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता है किसी चीज का तो किसी किसान नेता पर उनके लिए सबसे आसान होता है इसको विपक्ष का कह दो, इससे वो अपने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है सत्ता में बैठी हुई पार्टियां। लेकिन ये सभी कोशिशें असफल हो गई उनकी। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, भाई उनको कक्का जी को भाजपा ने भी राज्यसभा टिकट का ऑफर दिया, कांग्रेस ने भी उनको राज्यसभा टिकट का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने तो कोई टिकट नहीं ली। यदि वो किसी पार्टी के होते, यदि वो संघ के होते तो वो आराम से टिकट लेकर राज्यसभा सांसद नहीं बन जाते क्या? लेकिन वो आज भी किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी ठंड में सड़कों पे बैठे हुए हैं इस उम्र में। अब मन्नी ने समाज सेवा करनी है या राजनीति में जाना? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, हम गैर राजनीतिक थे, गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक रहेंगे, क्योंकि हमारा साफ ये मानना है। आप एक बात देखिए, आज के दिन जितने भी लोग विधानसभा और संसद में बैठे हैं उसमें से 70-80% किसान परिवार के हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी निष्ठा बदल जाती है, उनकी निष्ठा फिर अपनी पार्टी के प्रति हो जाती है, उनकी निष्ठा कंपनियों के प्रति हो जाती है। तो राजनीति में जाके समाज में बदलाव नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जो बात गांधी जी कहते थे जन दबाव की राजनीति, हम संगठन के जरिए जन दबाव बनाएंगे और इन सभी राजनेताओं की लगाम अपने हाथ में रखेंगे, यानी जनता के हाथ में रखेंगे। अन्ना हजारे आंदोलन का की बनया तुसी उससे गवाह हो, रामदेव दे आंदोलन का की बनया तुसी उससे गवाह हो, इस आंदोलन का की बनूगा? इस आंदोलन में मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी, 100% हम जीतेंगे। ये आंदोलन इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। समय इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े लोगों का घमंड टूट गया। तो जो लोग आज सत्ता के नशे में, जो चूर है, जो ये सत्ता में बैठे हैं, जो ये हुक्मरान, इनका घमंड टूटा, इनकी नहीं सुधरे तो देश का अन्नदाता इनका नशा उतारेगा। और आने वाले समय में मैं भी बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, यदि नहीं सुधरे सत्ता में बैठे हुए लोग तो इनको आने वाले समय में बड़ा पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलो बहुत धन्यवाद मन्नू कुहाड़ तुहाडा, तुसी बड़ी बेबाकी ने अपनी राय रखी है। ये नौजवान आगू अभिमन्यु कुहाड़ जी ने तुसी सुनिया, अभिमन्यु कुहाड़ ने बड़े साफ शब्दों में गल कही है, बहुत ये गल समझने वाली है कि इस नौजवान नू पता कि ना खेती कानूनों के विच की है ते केंद्र सरकार केड़ा राह खोलन जा रही है। जो असं यह सवाल पूछते हैं किसान अंदोलन में कितने खड़ा नौजवान, तो इस नौजवान आगू के जरिए सानू यह समझने का मौका मिले कि नौजवान अज देश का जागरूक है, उन्होंने आपके हक हकूकों बारे पता है, तो जो सीधा केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहा कि असी इस अंदोलन में जित तक लैके जावे तो उदों केंद्र सरकार को सुनना पवेगा, क्योंकि ये नौजवान देश का भविख है, तो नौजवान इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी भी है। बहुत धन्यवाद।